स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। जबलपुर सावन महोत्सव के अवसर पर श्रृंगार की कड़ी में बंगलामुखी मंदिर में राधा रानी समिति के तत्वावधान में मंदिर में भक्तों वदारा निरंतर अभिषेक पूजन अर्चन किया जा रहा है। साथ ही सुंदर कांड पाठ भजन का आयोजन किया गया, जिसको सुनकर आए हुए भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हरियाली महोत्सव चालू हो गया और सावन का इतना पवित्र महीना है जिसमें भगवान शंकर का हर जगह बोलबाला है, वहीं पर श्री राधा रानी महिला मंडल समिति द्वारा एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुंदरकांड जैसा एक बढ़िया सुंदर सा एक आयोजन किया गया जिसमें भजन, सुंदरकांड और पूरे धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें की जाती है। और ये ग्रुप की जो खास विशेषता है वो ये है कि सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस ग्रुप में सिर्फ आपको सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और परंपरा से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं साल भर, ना कि कोई ऐसा विषय किटी पार्टी या ये सारी चीज़ें जो अदर क्लब्स वगैरह में होती है। इसी कारण मैं जो आज जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं भी आध्यात्म से विशेष लगाव रखती हूँ, क्योंकि बिना आध्यात्म हमारी सबसे आदिकाल से चला आ रहा है उसको आज कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, परंतु आज राधा रानी महिला मंडल द्वारा जो चीज़ की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं वापस, जिसको बोलते हैं कि सूर्योदय हो रहा है नया सनातन संस्कृति का। और आज हरियाली महोत्सव जो किया जा रहा है उसमें सुंदरकांड का आयोजन है, सभी लोग पधारे हुए हैं, सभी महिला मंडल आई हुई हैं। जैसा जी 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 बिल्कुल जी, इसलिए कि आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं लोग अपने सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो वहीं हमारी कुछ समझदार महिलाएं जिन्हें हम कहेंगे, उन्होंने आधुनिकता के साथ संस्कृति को भी साथ में लेके चलने का जो है एक प्रण लिया हुआ है जी। और ये जो है बगलामुखी मंदिर, जो कि बहुत ही सिद्ध स्थान है, जबलपुर वासियों को तो बहुत अच्छे से मालूम है, तो हमारी संस्कारधानी में संस्कारों की जो छवि है यहाँ आपको देखने को मिलेगी और बगलामुखी मुखी माता की कृपा से यह जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे से संपन्न होगा जी। सोनल तोमर ठाकुर,